दोस्तों हम सभी को ईफी कॉइन यहां पर टेस्टिंग के लिए दिया गया था 0.1, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको तुरंत सेल आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों मैंने जस्ट इसका उल्टा किया, मैंने यहां पर सेल आउट करने की जगह मैंने यहां पर $100 का इन्वेस्टमेंट किया था और मैंने ईफी कॉइन को बाय किया था। तो मेरा यहाँ पर जो $100 मैंने यहाँ पर लगाया था वो यहाँ पर मेरा दुगना हो चुका है, $100 मेरा यहाँ पर हो चुका है ईफी कॉइन को बाय करके। और अभी दोस्तों यहाँ पर मौका है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो अभी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि ये $300-350 तक ज़रूर जाएगा, तो अभी भी आपके पास चांस है इसमें प्रॉफिट लेने का। दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस इसमें बताया है कि आपको किस तरीके से ईफी कॉइन बाय करना है। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपका दोस्त देव सागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक नई रोशनी। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Binance से किस तरीके से आप अपना जो ईफी कॉइन है वो बाय कर सकते हैं Binance के थ्रू। ठीक है, Binance पर अगर आपका बैलेंस है तो किस तरीके से आप उसको ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाएंगे और किस तरीके से बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास जो है इस समय TRX है और मैं इस TRX को BNB में कन्वर्ट करके और फिर इसको बाय करूँगा। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर सेल आउट करना होगा इसको। तो ये मेरा यहाँ पर TRX है और मैं यहाँ पर मार्केट के ऑप्शन पर जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर TRX का ये ऑप्शन आ चुका है तो मैंने इस पर TRX पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं TRX टू BNB। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सेल आउट कर दूंगा BNB में। तो मैं इसको सेल आउट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो TRX है सेल आउट हो चुका है और BNB में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको बैलेंस को हम यहाँ से BNB के बैलेंस को ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रस्ट वॉलेट का जो रिसीविंग एड्रेस है BNB का वो यहाँ पर डालना होगा। तो ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना होगा, तो हम यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया और यहाँ पर जो स्मार्ट चैन लिखा हुआ है इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसीविंग का एड्रेस है तो यहाँ पर मुझे रिसीव पर क्लिक करना है और उसके बाद कॉपी का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नीचे की साइड में, आप देखेंगे कॉपी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कॉपी हो चुका है। इसके बाद आपको अपना Binance अकाउंट ओपन करना है और यहाँ से अपना जो BNB है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको विड्रॉल पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं और हमें यहाँ से अपना BNB ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पर BNB पर क्लिक करेंगे और करने के बाद जो हमने वहाँ से एड्रेस कॉपी किया है उसको देखिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट पर हमें क्लिक करना है, मतलब थोड़ा सा प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन खुल कर आ जाएगा पेस्ट का, तो हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर BSC ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको BSC ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम यानी कि पूरा अगर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैक्स कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ से पूरा का पूरा कॉइन जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर और उसके बाद आपकी मेल ID पर, वो आपको सबमिट कर देने हैं। तो कुछ ही सेकंडों में आपका जो फ़ंड है वो ट्रस्ट वॉलेट पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा ये फ़ंड आ चुका है स्मार्ट चैन का, यहाँ पर ये फ़ंड मेरा आ चुका है। अब इससे मुझे यहाँ पर ईफी कॉइन को बाय करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे डैप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं डैप पर और हमें ये पैनकेक स्वैप से लेना है। तो हमें यहाँ पर पैनकेक स्वैप को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर पैनकेक स्वैप है, इस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर पैनकेक स्वैप की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल कर आ जाएगी और उसी से हमें यहाँ पर इसको स्वैप करके ले लेना है। तो अभी ये प्रोसेसिंग चल रहा है, जैसे ये पूरा खुल जाएगा तो हम इस पर स्वैपिंग के ज़रिए अपना ईफी कॉइन को बाय कर लेंगे। तो दोस्तों ये पैनकेक स्वैप का खुल गया है यहाँ पर। तो इससे सबसे पहले हमें अपना जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट को इससे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक किया और यहाँ पर ये आपका ट्रस्ट वॉलेट जो है इससे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो पैनकेक स्वैप है मेरे ट्रस्ट वॉलेट से ऐड हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर Binance चैन का जो स्मार्ट चैन का ये सिंबल ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाना चाहिए और अगर नहीं आता है तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर स्मार्ट चैन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो वॉलेट है ये ओपन हो जाएगा, ट्रस्ट वॉलेट जो पैनकेक स्वैप पर है। और यहाँ पर आपका जो बैलेंस भी यहाँ पर शो होने चालू हो जाएगा जितना भी आपके पास स्मार्ट चैन का
होगा, ठीक है, बैलेंस वो आपको यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। कैसे का बाय करेंगे, थोड़ा नेट स्लो मेरा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो है यहाँ पर BNB सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो ऊपर आपका बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद आपको मैक्स पर क्लिक करना है। अगर आपको सारे BNB का आपको ईफी कॉइन बाई करना है, यानी सारे बैलेंस का अगर आपको ईफी कॉइन बाई करना है, इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है सेलेक्ट करेंसी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो ईफी कॉइन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका ईफी फर्स्ट टाइम नहीं आता है तो जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ईफी कॉइन का, वो आप यहाँ पर लेकर डालेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ही डालें, ताकि किसी गलत ईफी कॉइन में आपका ये इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका रेट भी दिखाएगा, और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्वैपिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है इससे, जिससे कि आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वैप कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये कंफर्म मांग रहा है हमसे, कंफर्म स्वैप पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है यहाँ पर ईफी कॉइन को बाई करना स्वैपिंग के थ्रू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ईफी कॉइन को बाई कर सकते हैं, और इसके लॉन्च होने से पहले ही बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर जो इसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ीस लगी है वो 17 रुपये 11 पैसे की लगी है, और 4712 रुपये मेरे यहाँ पर टोटल है। और नीचे अप्रूव का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुकी है, और इसको हम क्लोज करेंगे और अपना जो बैलेंस है उसको चेक करेंगे कि हमारा ईफी कॉइन में कितना बैलेंस हो चुका है। तो हम इसमें बैक करके अपने ट्रस्ट वॉलेट पर वापसी आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो ईफी कॉइन का जो बैलेंस है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 1.18 ईफी हो चुका है, और यहाँ पर ये इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी हिस्ट्री में चेक करेंगे तो, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर अपना ईफी कॉइन बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट यहां से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।